Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में औपचारिक नतीजे आ गए हैं। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही किसी भी दूसरे दल ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने घोसी के पूर्व विधायक और सूबे की सरकार के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान पर दाव लगाया था। दारा सिंह चौहान का निर्विरोध निर्वाचन नामांकन की आखिरी तारीख बीतने के साथ ही तय हो गया था और अब इसका औपचारिक ऐलान भी हो गया है। लखनऊ के विधानसभा में दारा सिंह चौहान को उपचुनाव में उनके एमएलसी निर्वाचित होने से संबंधित प्रमाण पत्र सौंपा गया है। दारा सिंह को जब जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया तब उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दया शंकर सिंह भी मौजूद थे। सभी ने दारा सिंह चौहान को जीत की बधाई दिया है। सूबे के उच्च सदन के लिए निर्वाचन के साथ ही अब ये कयास भी तेज हो गए हैं कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और दारा को मंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में वोटों का जातीय गणित साधने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले राजभर वोटर बेस वाले सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कोटे से ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। घोसी उपचुनाव में हार गए थे दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। दारा सिंह चौहान 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और जीते भी थे। पिछले साल यह विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। घोसी सीट पर हुए उपचुनाव और बीजेपी ने दारा को ही टिकट दिया था। यूपी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घोसी में ही कैंप प्रचार किया था, लेकिन दारा सिंह चुनावी दरिया पार नहीं कर सके थे। दिनेश शर्मा के इस्तीफे से रिक्त हुई थी सीट। योगी सरकार 1.0 में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया है। दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दिनेश शर्मा के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट से बीजेपी ने दारा सिंह को टिकट दिया था। दारा के खिलाफ किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा और अब वह विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। बाकी जिस तरीके से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर हारे फिर विधान परिषद बने और अब मंत्री बनने की तैयारी हो रही है, उस पर लेकर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।